Hey guys, and welcome back again with a new video. I hope guys you all are doing well. So guys, आज की वीडियो में चलेंगे सुमो डेडलिफ्ट के ऊपर, क्योंकि सुमो डेडलिफ्ट इसलिए क्योंकि बिगिनर्स जो होते हैं कन्वेंशनल में अपना बैक राउंड कर लेते हैं, तो सुमो डेडलिफ्ट बेस्ट तरीका है अपना फॉर्म को सही करके एक कन्वेंशनल पे हाई लोड के मतलब हाई वेट के साथ आप सही से करें। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्ट। सो गाइस, सबसे पहले सुमो डेडलिफ्ट में हम लोग को अपना पैर रॉड के एकदम बीच में रखना है, हमारा पैर बीच में, मतलब जैसे आप शूज पहन करिएगा तो आपका शू का जो लेस होगा वो यहाँ तक होगा, तो मिनिमम वो रॉड से इतना दूरी पर होना चाहिए जैसे आप देख सकते हैं। और देन आपको अपना बैक राउंड नहीं करना है, अपने हिप्स को पीछे लेना है। हिप्स आप पीछे लीजिएगा आपका बॉडी अपने पीछे चला जाएगा, इसको पीछे लेना है। ये हुआ सेकंड स्टेप। और देन आपको कभी ऐसे नहीं उठाना, आपको लैट्स को एक्टिवेट करना है। लैट्स को एक्टिवेट करने के लिए आप जस्ट इसको पूरा ऐसे करिए और अपना पूरा प्रेशर लैट्स में दीजिए। और हमेशा डेडलिफ्ट में आप ये करिए, आप कभी भी अपने हाथ से पुल करने के अलावा इसको आप अपने पैर से पुश करिए। जैसे आप इसको कर सकते हैं, नीचे मैट ले लीजिए और ट्राई कीजिए मैट को पुश करने का, उसको दूर करने का। सो जैसे दिखाता हूँ, ये एक नॉर्मल है कंडीशन, ये नॉर्मल पोजीशन। देन मैं आगे आया, ये मेरा फर्स्ट पोजीशन जो मेरे रॉड के जस्ट ऊपर है, मिडिल में, मेरे फीट के जस्ट मिडिल में। देन अपने हिप्स पीछे लिया, हिप्स पीछे करने के बाद अपना लैट एक्टिवेट करना, ये मेन थिंग है। जो आपको लैट ऐसे नहीं करनी ना ऐसे, और इतना भी नीचे नहीं जाना जो पूरा स्क्वाट्स का पोजीशन होता है, इतना नीचे नहीं जाने का है। सो इतना पीछे जाने का। और देन ग्रिप आप कोई भी यूज कर सकते हैं, ओवर हैंड मिक्स जो आपका मन करे, ग्रिप का कोई इशू नहीं है। सो आपको पकड़ना है रॉड, अपना पैर से पूछ लेना है। सुमो डेडलिफ्ट मेन है हैमस्ट्रिंग और क्वाड्स पर काम होता है फोकस। सो 1 2 सीधे डेडलिफ्ट। एक और तरीका है अपने कोर को टाइट करने का। कोर को टाइट करने कैसे करें, तो कोर को आप ट्रेन कीजिए, ऐसा नहीं है अगर एप्स चाहिए तो डेली करो, कोर को आप ट्रेन करिएगा। डेडलिफ्ट या स्क्वाट्स आपको सब में आपका कोर का हेल्प होता है, शोल्डर प्रेस हो। सो कोर को ट्रेन करिए, एप्स का वर्कआउट कीजिए, इससे आपका एप्स नहीं लेकिन आपका कोर टाइट होगा। कोर को टाइट करने के लिए जब आप इसके रॉड के ऊपर आए, अपना एकदम कोर टाइट करना है। कोर टाइट करने का मतलब कि जैसे आपको कोई पंच मारने वाला है आपको, तब कोर टाइट करना है। जस्ट लाइक अभी मैंने फुल टाइट कर दिया अपना कोर, आपको ऊपर से तो नहीं पता चलता, अपने फील करना है कि पूरा दम लगा के टाइट कर देना है और एकदम ऐसे लेना है। कोर टाइट हुआ मेरा फुल, ये हुआ एक बेस्ट तरीका डेडलिफ्ट का। सो गाइस, कोर टाइट करने का एक सिंपल एग्जांपल है, आप खुद फील करो। जैसे अभी मेरा नहीं है, मेरा फैट बहुत है, आई नो। सो मैं देख रहा हूँ फैट बहुत है, तब भी मैं कोर को टाइट करते रहता हूँ वीक में 3 या 4 बार, जो मेरा कोर टाइट मतलब प्रैक्टिस बना रहे। सो इस आपको सिंपल ही अपना कोर टाइट रखना है। कोर टाइट रहेगा तो आपका डेडलिफ्ट बहुत अच्छा होगा, स्क्वाट्स भी बहुत अच्छा होगा और आपका बाकी एक्सरसाइज भी, क्योंकि कोर मेन है, मेन चीज है जो आपको सपोर्ट करता है। जैसे मैं किया, मैंने सब कुछ सही, कोर ऐसे लूज नहीं रहना, ऐसे पूरा ढीला नहीं रहना, पूरा टाइट, इतना टाइट कि आपको कोई मुक्का मार दे तो आपको चोट नहीं लगना चाहिए, इतना टाइट। सो पूरा टाइट, हेवी वेट भी है कोई चिंता नहीं है, आपको अपने लेग से पहले पुश करना है, लेग से उठाना, ये मेरा कोर टाइट है, मेरा लेग्स हो रहा है वर्क, मेरा लैट्स भी इन्वॉल्व है और ये होता है परफेक्ट सुमो डेडलिफ्ट। सो गाइस, आई होप आपको भी ये मेरा डेडलिफ्ट ट्यूटोरियल अच्छा लगा। ये बिगनर्स के लिए जिनको कन्वेंशनल प्रॉब्लम होता है, जनरली सबसे पहला मिस्टेक कन्वेंशनल का यही होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। टिल देन आई होप, टेक केयर, गुड बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।